नमस्कार और कार ब्लॉग इंडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की फॉर्च्यूनर का दबदबा रहा है, परंतु आज मैं एक गाड़ी के साथ हूं जो कि फॉर्च्यूनर को मात देने के लिए आई है। आइए मिलते हैं शेवरोले की नई ट्रेल ब्लेजर से। मैं इस वीडियो में ट्रेल ब्लेजर के एक्सटीरियर, इंटीरियर फीचर्स, राइड एंड हैंडलिंग और इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। आइए पता करते हैं कि शेवरोले की नई ट्रेल ब्लेजर भारतीय एसयूवी खरीदारों के लिए एक उचित विकल्प साबित होगी कि नहीं। शेवरोले की नई ट्रेल ब्लेजर बहुत ही शक्तिशाली दिखती है। इसके अगले हिस्से का महत्वपूर्ण भाग इसका रेडिएटर ग्रिल है, जो कि इसको शेवरोले का फैमिली लुक देता है। इसके हेडलाइट्स भी काफ़ी आकर्षक हैं और इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शेवरोले ने क्रोम का काफ़ी उपयोग किया है। शेवरोले की ट्रेल ब्लेजर एक काफ़ी लंबी गाड़ी है। ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर से 173 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है और दिखने में भी ये गाड़ी साइड से भी काफ़ी आकर्षक है। साइड में भी शेवरोले ने क्रोम का काफ़ी उपयोग करा है और आपको इसके मिरर पे और विंडो सिल पे क्रोम हाइलाइट्स मिलेंगे। इसकी साइड प्रोफाइल की डिज़ाइन का सबसे आकर्षक भाग इसकी रैप अराउंड रियर विंडोज़ और टेल लैंप्स हैं। पीछे से ट्रेल ब्लेजर अपने अगले हिस्से जितनी प्रभावशाली नहीं दिखती है, परंतु इसका पिछला हिस्सा भी काफ़ी आकर्षक है। शेवरोले ने ट्रेल ब्लेजर पे LED टेल लैंप्स का उपयोग किया है और ये टेल लैंप्स इसकी सौंदर्य को और उभार देते हैं। ट्रेल ब्लेजर की केबिन में काफ़ी जगह है और इसका डैशबोर्ड भी बहुत ही आकर्षक है। इसके केबिन में काले और बेज रंग का इस्तेमाल किया गया है और इसकी केबिन की पियानो ब्लैक फिनिश इस डैशबोर्ड को और ज़्यादा आकर्षक बना देती है। ट्रेल ब्लेजर शेवरोले के माइलिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आती है और ये सिस्टम आपको गाने सुनने के और अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के विकल्प उपलब्ध कराता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शेवरोले के केबिन में काफ़ी जगह उपलब्ध है और इसके केबिन में 6 से 7 लोग काफ़ी आराम से सफ़र कर सकते हैं। ट्रेल ब्लेजर में शेवरोले ने काफ़ी फीचर्स उपलब्ध कराए हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। परंतु हमारा मानना है कि शेवरोले को ट्रेल ब्लेजर में कूल्ड ग्लव बॉक्स और कीलेस एंट्री एंड गो भी देना चाहिए था। ट्रेल ब्लेजर एक 2800 cc की टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ आती है, जो कि 197 bhp की अधिकतम पावर और 500 Nm का अधिकतम टॉर्क बनाता है। ट्रेल ब्लेजर 0 से 100 km/h की रफ्तार 10 सेकंड से कम में पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार भी 170 km/h से ज़्यादा है। सामान्य परिस्थितियों में ये गाड़ी आपको बहुत ही आसानी से 10 km/l का माइलेज दे सकती है। वैसे तो हमें इस गाड़ी का शक्तिशाली इंजन काफ़ी पसंद है, परंतु हम चाहते हैं कि शेवरोले इसमें एक डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम भी उपलब्ध कराए। ट्रेल ब्लेजर की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी को आप काफ़ी आसानी से तेज गति पे मोड़ सकते हैं और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी डायरेक्ट है। शेवरोले ट्रेल ब्लेजर दिखने में आकर्षक है, इसका इंजन शक्तिशाली है और इसमें 6 से 7 लोग बड़े ही आराम से सफ़र कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि शेवरोले की नई ट्रेल ब्लेजर मार्केट में काफ़ी एसयूवी खरीदारों को आकर्षित करेगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपका होस्ट यथार्थ आपसे विदा लेता हूँ। हमें आशा है कि हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।